नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस का सबसे भरोसेमंद चैनल। बड़ी खबर के साथ आपके साथ फिर से हम हाजिर हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा आप ज़रूर बनिए। देख सकते हैं 1,12,000 जीडीएस और उनके एप्लीकेंट्स और बाकी पोस्टल एम्प्लॉय हमारे साथ पहले से जुड़े हुए। क्या है आज की खबर और क्या है खास, क्या कुछ नया है तो हम आपको बता दें, कुछ नया नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ ज़रूर नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको प्रूव कर देगी कि डिपार्टमेंट या फिर सरकार कह लीजिए परमानेंट जीडीएस को जल्दी नहीं करने वाला है। ठीक है, तो क्या जीडीएस को परमानेंट या फिर रेगुलर करना इम्पॉसिबल है? तो जब भी हम परमानेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, नए नए जीडीएस जितने हैं या फिर जो भर्ती हो रहा है, तो क्या जीडीएस परमानेंट नहीं है? तो आपको बता दें, जीडीएस तो परमानेंट है लेकिन रेगुलर नहीं है। ठीक है, रेगुलर एम्प्लॉय की तरह नहीं, 8 घंटे वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमारा सवाल हो कि क्या जीडीएस को परमानेंट करना या फिर रेगुलर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्या किया ही नहीं जा सकता, क्या इसको करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो आपको बता दें कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं होती है। डिपेंड करती है चीज़ें कितनी आप चाहते हैं उसको पॉसिबल करवाना। ठीक है, मुमकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। तो ये न्यूज़ है क्या? न्यूज़ है यहाँ पे दोस्तों, सवाल पूछा गया है लोकसभा में। लोकसभा यानी हमारे देश का सबसे बड़ा मंच, इससे बड़ा मंच नहीं हो सकता जहाँ पे आप अपनी आवाज़ उठाए। ठीक है, चाहे मीडिया में उठाए, जो भी उठाए, वो इनके नीचे आता है। तो लोकसभा राज्यसभा सबसे बड़ा मंच होता है और इस प्लेटफॉर्म से बड़ा और कहीं नहीं होता। तो यहाँ पे सवाल कुछ उठाए गए थे, यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे पूछा गया था जो जीडीएस होते हैं क्या उनको EPF यानी एम्प्लॉयज जो प्रोविडेंट फंड है उसका फ़ायदा मिलता है कि नहीं, और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो होता है ना, ESI जो बोलते हैं, वो मिलता है कि नहीं। ठीक है, फिर दूसरा सवाल यहाँ पे था दोस्तों, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, वो था जीडीएस को कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम मिलती है, कौन कौन सी सुविधा मिलती है, और जीडीएस को क्यों 5 घंटे तक ही काम करने मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रीज़न बताइए कि जीडीएस को क्यों 5 घंटे तक ही का कार्य दिया जाता है। ये सी सवाल है। ठीक है, सी में देख सकते हैं आप। डी में क्या पूछा है, क्या गवर्नमेंट को पता है कि जीडीएस जो है, सरकार को पता है जीडीएस अपना वर्किंग आवर यानी 5 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है? तो ये भी बड़ा सवाल था। ठीक है, और ई में पूछा गया था अगर पता है उनको, कि सरकार को अगर पता है तो इतना जो एक्स्ट्रा काम कर रही है, 5 घंटे से ज़्यादा कर रही है, उसकी भरपाई किस तरह से की जाएगी या फिर की जाती है कि नहीं, ये भी पूछा गया। देखिए कितने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। और आगे पूछा है कि जीडीएस को क्या परमानेंट किया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया है लोकसभा में, कब परमानेंट किया जाएगा, रेगुलराइज कब किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो रीज़न बताइए। तो सवाल किन्होंने पूछा है, इनको एक बार हम ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। श्री संजय सदाशिवराव, ठीक है, मांडलिक, श्री विद्युत बरन महातो, श्री सुधीर गुप्ता और श्री श्रीरांग अप्पा बरने। ठीक है, इन लोग का हम दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। बड़े सवाल पूछ ले कि जीडीएस को परमानेंट कब करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, तो सवाल का जवाब क्या है आपको बता दें। देखिए पहला सवाल था हमारा, क्या ग्रामीण डाक सेवकों को EPF यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस मिलती है कि नहीं, तो यहाँ पे बताया गया है नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जीडीएस को रेगुलर नहीं किया है और इसीलिए जीडीएस को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और स्टेट इंश्योरेंस नहीं मिलती है। आगे यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि जीडीएस जो है सिविल पोस्ट के हकदार यानी सिविल सर्वेंट तो है लेकिन रेगुलर सर्विस के बाहर है, तो इसीलिए इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता रेगुलर एम्प्लॉय की तरह। ठीक है, रेगुलर एम्प्लॉय की तरह। और 2019 के सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था जिसका नाम था गुरु सेवक सिंह। ठीक है, और गुरु सेवक सिंह ने का जो केस था, यहाँ पे जो नतीजा निकला था या फिर जो कार्रवाई के बाद जजमेंट था, वो था कि जीडीएस एक एम्प्लॉय ही नहीं है, यानी एक ग्रामीण डाक सेवक एक कर्मचारी ही नहीं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये देखिए, जीडीएस इज नॉट एन एम्प्लॉय अंडर 1972 ग्रेचुटी एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो जीडीएस एम्प्लॉय ही नहीं है। तो बड़ी बात है ये सब, और ये सब आपको पहले ही बता चुके हैं हम। ठीक है, तो इसीलिए उनको नहीं मिलती। ठीक है, अब बी में था दोस्तों, बी था कि जीडीएस को कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम आएगी, इसका नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। और जो तीसरा सवाल था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आगे के जो सवाल थे, क्या जीडीएस को परमानेंट किया जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना सवाल, तो इसका जवाब आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है कि नहीं, जीडीएस को जो वर्क इनको बताया गया है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल का जो रूल है वो है
मिनिमम 4 आवर और मैक्सिमम 5 आवर, ठीक है। ये एक वर्क टाइम नेचर का, यानी आप कह सकते हैं पार्ट टाइम टाइप का ही जॉब है, और इसके लिए उनको पेमेंट मिलती है TRCA, GDS को TRCA जिसको कहते हैं टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस मिलती है। साथ ही साथ GDS को जो भर्ती कराया जाता है या जब उनका रिक्रूटमेंट होता है तो उनके फॉर्म में लिखने के लिए आता है कि उनके पास दूसरा अल्टरनेटिव वे, यानी कि दूसरा तरीका हो अपनी ज़िंदगी को चलाने का। तो यहाँ पे भी जो है एक एप्लीकेंट साइन करता है तो फिर वो आगे GDS नहीं बोल सकता कि हमें परमानेंट कराइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2016 कैट का भी यहाँ पे अलग अलग, मतलब बहुत सारे रीज़न यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, अगर मन हो तो कोई रीज़न नहीं, अगर मन ना हो तो 1000 रीज़न भी आपके पास, यानी 1000 आपके पास कोई ना कोई रीज़न निकल ही जाएगा परमानेंट ना करने का। तो ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने GDS भाई बहनों के साथ। इसीलिए यहाँ से उम्मीद तो कम ही हो जाती है कि GDS परमानेंट होगा। दूसरा तरीका लेकिन आपके पास है एग्ज़ाम को पास करने का। डिपार्टमेंटल पोर्शन बहुत मुश्किल होता है, पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हम कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग भी कराते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये स्क्रीन पर नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी MTS का कोचिंग चल रहा है, अगर करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो आसार कम ही लग रहा है कि GDS परमानेंट होगा, तो दूसरा तरह का ही नए GDS को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।